दोस्तों अगर आपके पास Realme Narzo 50 Pro डिवाइस है तो इसमें आपको एक नया सॉफ्टवेयर का वर्जन देखने मिलेगा C.16 का। यहाँ पे वर्जन आ चुका है जिसमें आपको 468 MB का अपडेट मिल जाता है और इस अपडेट को करने के बाद आपको जो सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है जनवरी 2023 का, यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। अभी दोस्तों इस डिवाइस का लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब ये डिवाइस पुराना होने वाला है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई भी कंपनी का मोबाइल पुराना हो जाता है तो सबसे पहले उसमें दो प्रॉब्लम जरूर आती है। पहला प्रॉब्लम आता है कि कैमरा का जो परफॉर्मेंस है, पहले जैसा आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है और साथ में बैटरी का प्रॉब्लम यहाँ पे इश्यू देखने को मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद यहाँ पे बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बाकी कैमरा का वो प्रॉब्लम है, कैमरा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और पूरा आपको स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ। साथ में यहाँ पे क्या छोटा मोटा फीचर को यहाँ पे अभी तक चेंज नहीं किया गया है और क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिएगा तो अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे लैग का प्रॉब्लम देखने मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्टक का प्रॉब्लम आ जाता है और यहाँ पे एप्लीकेशन कभी कभी यहाँ पे ओपन नहीं होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको सिक्योरिटी पैच दिखाऊं तो सिक्योरिटी पैच आप देख सकते हैं 5 जनवरी 2024 का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है और वर्जन अगर आप यहाँ पे देखें तो C.16 का वर्जन आपको यहाँ पे शो हो जाता है। चलिए उसके अलावा यहाँ पे और भी बग आपको क्या क्या मिल रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आइकॉन वाले ऑप्शन में जाता हूँ, आइकॉन वाले ऑप्शन में जाने के बाद अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एडोब सिस्टम कलर वाला आपको बेटा टेस्टिंग अभी भी यहाँ पे शो होगा और इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो सभी एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज नहीं होता है, किसी किसी एप्लीकेशन में अभी भी आपको कलरफुल देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे अकाउंट में जाते हैं और अकाउंट में जाने के बाद सिक्योरिटी सेंटर में जाइएगा, फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देन लॉक स्क्रीन पासवर्ड को अगर आप यहाँ पे ऑन करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है। पर दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पे क्रैश का प्रॉब्लम देखने मिलेगा, ऑटो बैक का प्रॉब्लम मिल जाता है, देख सकते हैं ऑटो बैक यहां पे हो जाता है, ये इशू यहां पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप यहां पे देखें तो आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो कलर बूस्ट वाले ऑप्शन को ऑन कीजिएगा। तो इसको ऑन करने के बाद दोस्तों ये फीचर सही तरीके से यहां पे वर्क नहीं करता है, अभी भी आपको इशू देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहां पे कैमरा टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, फ्रंट का कैमरा इंटीरियर और आउटडोर में कैसा वर्क करता है, साथ में रियर का कैमरा भी आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कैसा वर्क कर रहा है। सबसे पहले वो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कैमरा किस हिसाब से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट के कैमरे को यूज कर रहा हूं तो आपको स्क्रीन टोन इस प्रकार का देखने मिलेगा और अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूं तो टैप करने बाद थोड़ा यहाँ पे डार्क हो जाता है, ये आपको मिलेगा। पर दोस्तों अगर आप इंटीरियर में देखें तो कोई भी लाइट को मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑन नहीं किया है और चलिए मैं यहाँ पे लाइट को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लाइट को ऑन कर लिया है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे टोन देखिएगा तो स्क्रीन का टोन आपको सही देखने मिलेगा, एक्चुअली में यहाँ पे कैमरा सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो रियर कैमरे के बारे में बात करें तो 4K में मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और लाइट को मैंने यहाँ पे इंटीरियर में ऑफ करके रखा हुआ और कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहाँ पे वीडियो देखने मिलेगा। और चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइट को एक बार यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। लाइट को ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा वीडियो यहाँ पे देखने मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर भी क्वालिटी आपको काफी बेटर मिलेगी और ये 200 मेगापिक्सल के कैमरे को काफी अच्छा यहाँ पे टक्कर दे सकता है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे फ्रंट कैमरे से आउटडोर में शूट कर रहा हूँ और मेरे फ्रंट में यहाँ पे जो सूरज का लाइट पड़ रहा है और इस प्रकार का आपको यहाँ पे फेस देखने मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो टैप करने बाद देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा छांव में आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे शेडो में जाता हूँ तो शेडो में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो कंडीशन सही मिल जाता है, कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। पर अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो काफी आपको व्हाइटिश देखने मिलेगा, इंटीरियर में काफी अच्छे यहाँ पे वर्क कर रहा है, थोड़ा आउटडोर में आपको इशू देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर बात करते हैं रियर कैमरे के बारे में तो रियर कैमरे में 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फ्रंट में देख सकते हैं लाइट कंडीशन इस प्रकार का है। अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और टैप करने बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन इस प्रकार का मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे शेडो में आपको दिखा देता हूँ तो शेडो का कंडीशन देख सकते हैं इस प्रकार का आपको देखने मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा कंडीशन देखने मिलता है, एक्चुअली में इंटीरियर में काफी अच्छा यहाँ पे वर्क करता है पर थोड़ा आउटडोर में आपको यहाँ पे इशू देखने मिलेगा, बैकग्राउंड काफी यहाँ पे व्हाइट हो जाता है, ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है। तो कैमरा का क्वालिटी में तो दोस्तों यहाँ पे इंप्रूव किया गया है पर बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं पर आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको बैटरी का इशू मिल सकता है और कैमरा का स्टेबिलाईजेशन सही तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो आप इसको अपडेट कर ले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।